नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स नारायण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो वीडियो में देख पा रहे होंगे ये सेम है। ये हर घर में खाने योग्य सब्जी में प्रयोग किया जाता है। ये सेम ज़्यादा पौष्टिकारी है, हेल्दी है, स्वास्थ्य को भी बढ़िया रखती है। और इसकी पत्ताई, जो आप ये पत्ता देख रहे हो, ये पत्ता दोस्तों जैसे कि आपके गर्दन में चटा पड़ जाता है, चेहरे पे चटा पड़ जाते हैं, उसमें खुजली वगैरह होती है, उस खुजली को दूर करने के लिए या फिर उस चटे को ठीक करने के लिए अगर हम 8-10 दिन अगर इसका प्रयोग कर लें तो ये हमारे चटे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा फिर की तरह पहले से बेहतर हो जाता है। इसीलिए आइए हम बताते हैं आपको कि इस पत्ते का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। पहले तो दोस्तों हम इसके कम से कम 4 या 5 पत्ते तोड़ेंगे। 4-5 पत्ते तोड़ने के बाद हम इसको तोड़ लें। मैं आपको इस पेड़ के बारे में बता दूं कि सेम का पेड़ दिखने में कैसा लगता है। ये दोस्तों आपका सेम का फूल है, ये आपकी फली है जो सब्जी में खाने योग्य प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये हमने 4-5 पत्ते इसके तोड़ के तैयार कर लिए और हम इसको अच्छी तरह से यूँ मिड़ेंगे। जब ये दोस्तों ये खूब अच्छी तरह से मिड़ जाएगा, मिड़ने के बाद फिर इसमें से इसका जो रस निकलेगा उस रस को हम जिस जगह हमारा चटा है, जिसमें खुजली होती है, पैर में हो जाता है दोस्तों, हाथ में हो जाता है, चेहरे पे हो जाता है, गर्दन पे हो जाता है, जिससे कि चेहरा बहुत ही भद्दा लगने लगता है। और इस रस के प्रयोग से हम अपने उस चटे को सही कर सकते हैं। देखिए, ये आपके सामने ये रसा निकल के तैयार हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब इस रसे को हम जिस जगह हमारा सफ़ेद दाग है, जिसे हम चटावी कहते हैं, अगर उसको हम अच्छी तरह से लगा देंगे, हम इसको करीब 8-10 दिन तक अगर लगातार लगाते रहें तो हमारा चटा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि सेम के पत्ते द्वारा अपने खुजली वाले चटे को किस तरीके से सही किया जा सकता है। दोस्तों ये बिना पैसे वाली दवा है, इसमें आपका कोई पैसा यूज़ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार के आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स नारायण में। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। आगे फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। राम राम।